मान सिंह को चंबल का सबसे खतरनाक डाकू बताया जाता है। मान सिंह आगरा के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखता था। डकैत मान सिंह पर 1112 लूट और 185 हत्याओं के मामले दर्ज हैं। इस डाकू की खास बात यह भी थी कि वह अमीरों का धन लूटता था और गरीब लाचार लोगों की सहायता करता था। आगरा मथुरा मुरैना के लोग साल 1940 से 1955 तक कुख्यात डकैत मान सिंह का नाम सुनकर थरथर कांपते थे। हाल ही में चंदन गडरिया गैंग से छुटे अपरिहत सीताराम जाट के बाद एक बार फिर से चंबल में डाकुओं की मौजूदगी की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। चंबल के डाकू विश्व विख्यात हैं, उनके जो चर्चे हैं कौन नहीं जानता। 1939 से 1955 तक चंबल में दस्यु सरगना मान सिंह की तूती बोलती थी। यूं तो डकैत मान सिंह पर लूट के 1112 तथा हत्या के 185 मामले दर्ज थे, लेकिन गरीबों में उसकी छवि रॉबिन हुड की तरह थी। मजबूर और कमज़ोर लोगों को हक दिलाने के लिए मान सिंह ने जरूर खूनी खेल खेले, लेकिन उसने कभी किसी असहाय नहीं सताया। कहते हैं कि उसके जीवन में कभी किसी महिला का अपहरण नहीं हुआ और ना ही किसी बच्चे की हत्या हुई है। डाकू बनने की आखिर उनकी क्या कहानी है? डाकू मान सिंह के जमीन पर साहूकारों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उस वक्त डाकू बनने की अधिकतर घटनाएं जमीन पर कब्जा किए जाने के कारण ही होती थी। जमीन के अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए मान सिंह ने प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। घटना से आहत मान सिंह को लगा कि अब राजपूतों का वर्चस्व खतरे में है, इसलिए उसे बचाने और जमीन वापस लेने के लिए उसने जुल्म ढाने वालों के खिलाफ हथियार उठाने की ठानी। यहीं से शुरू होता है मान सिंह के बागी बनने का सफर। 17 डाकुओं के साथ मिलकर उन्होंने एक गैंग बनाया। डकैत मान सिंह ने 17 डाकुओं के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया जिसमें अधिकतर परिवार के लोग शामिल थे। इस दल में उसके भाई और भतीजे को भी जोड़ा गया। कहते हैं कि डाकू मान सिंह के नेतृत्व में चल रहा ये दल महिलाओं की बड़ी इज्जत करता था, वे उन पर आंच नहीं आने देते थे। एक बार उसके गैंग के एक डाकू पर बलात्कार का आरोप लगा और इतने में ही मान सिंह ने सुल्ताना नामक डकैत को अपने दल से बाहर कर दिया। मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कमज़ोर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाता था, लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। डाकू मान सिंह 1112 लूट और 185 मर्डर के बाद भी मंदिर में उसकी पूजा होती है। जो गांव है इसका गांव में आज भी इसकी पूजा होती है। 1955 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भिंड में एक एनकाउंटर में मान सिंह मारा गया। मरने से पहले डाकू मान सिंह को आरएसएस से जुड़े एसएन सुब्बा राव ने मन से भाषण देते हुए सुना था। सुब्बा राव बताते हैं कि शब्दों के चयन को देखते हुए मैंने मान सिंह के बारे में अखबार में जो भी पढ़ा था वो सारी धारणा गलत निकली। उसकी भाषा शैली देख मैं अचंभित रह गया। उसकी जो पर्सनैलिटी रॉबिन हुड की तरह लगी। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। 1971 में डाकू मान सिंह नामक फिल्म बन चुकी है जिसमें दारा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उसके जीवन पर आधारित कई लोकगीत तथा नौटंकियां भी है। डाकू मान सिंह का मंदिर भी बनवाया गया आगरा के ताजमहल से 50 किलोमीटर आगे खेड़ा राठौर नामक गांव, जो इनका गांव था, को डाकू मान सिंह के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां मंदिर बनाकर मान सिंह व उसकी पत्नी की मूर्तियां रख हर रोज ईश्वर की तरह उसकी पूजा की जाती है। जो ये जानकारी आपको दी जा रही है पत्रिका.com के अनुसार आपको ये जानकारी दी जा रही है। जन्म से कोई भी चोर डकैत डाकू या गलत नहीं होता, लेकिन किसी को हालात मजबूर कर देते हैं। डाकू मान सिंह की भी कोई मजबूरी रही है, जैसे जमीनी विवाद को लेकर इस पड़ाव पर उसको आना पड़ा। हम किसी का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही किसी का खंडन करते हैं, लेकिन गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, बुराई का हमेशा अंत होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।